अभी कुछ दिनों पहले प्रकाश झा की मट्टो की साइकिल रिलीज हुई थी। अद्भुत फिल्म थी, एक दिहाड़ी मजदूर की जिंदगी का बेहतरीन फिल्मांकन बताया गया, ये आर्ट सिनेमा है। अब एक और फिल्म आई है संजय मिश्रा की, वो तीन दिन, इसे भी आर्ट सिनेमा कहा जा रहा है। देखते हैं कैसी है। राम भरोसे रिक्शा चलाकर अपने परिवार को पाल रहा है। उसके परिवार में पत्नी के अलावा उसकी एक बेटी है, वो ग्रेजुएशन कर रही है। उसने 6 महीने से कॉलेज की फीस नहीं दी है, राम भरोसे पर कर्जा है। ऐसे में उसे एक आदमी मिलता है जो खुद को वॉल्टर वाइट बताता है। वो रिक्शा चलाने के लिए 3 दिन के 3,000 देने का वादा करता है। अपने दोस्त के कहने पर राम भरोसे उसके साथ जाने को राजी हो जाता है, पर वॉल्टर अंतिम दिन पैसे दिए बिना अचानक गायब हो जाता है। अब एंट्री होती है पुलिस इंस्पेक्टर दयानंद की। वो राम भरोसे की उस व्यक्ति को ढूंढने में मदद करता है ताकि उसके 3,000 रुपये दिलवा सके। क्या वो व्यक्ति मिलता है तो क्या पैसे वापस करता है। पूरी फिल्म की कहानी इसी के चारों ओर भ्रमण करती है। एक रिक्शे वाले के लिए 3,000 रुपये कितने मायने रखते हैं, फिल्म अपने सिनेमाई चरम पर जाकर ये दिखाती है। कुछ कुछ जगहों पर ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि उसके काम से कैसे समाज उसे जज करता है। जब राम भरोसे अपनी बेटी के कॉलेज जा रहा होता है तो उसका दोस्त उससे कहता है, रिक्शा यहीं छोड़ दो, नहीं तो सब तुम्हारी बेटी को रिक्शे वाले की बेटी कहेंगे, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। फिल्म की अच्छी बात है कि ये सिर्फ रिक्शा और 3,000 रुपये पर नहीं टिकी है, बीच बीच में छोटे मोटे व्यंग भी करती है, समाज की सोच को उजागर करती है। एक गरीब घर में रह रही स्त्री और उसकी बेटी की तकलीफों को भी दिखाती है। फिल्म थ्रू आउट राम भरोसे के इमोशन के साथ ट्रेवल करती है, मगर कई जगहों पर थोड़ी बहुत सस्पेंस थ्रिलर बनने की कोशिश करती है, पर आप इस मामले में ठगा हुआ महसूस करते हैं। डायरेक्टर राज आशु इसके कुछ कुछ शॉट्स ऐसे कंपोज करते हैं जैसे अभी आगे कुछ घटित होगा, मगर फिल्म सपाट चलती है। बिना मतलब के माहौल बनाने की कोई खास जरूरत थी नहीं। वो तीन दिन कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से होकर भी आई थी और कई सारे इसे अवार्ड्स भी मिले थे, और इसके ट्रेलर में इस बात का प्रचार भी किया गया था, पर उस दर्जे की फिल्म ये है नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये फिल्म कम प्ले ज़्यादा लगती है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, पर ऐसे में दृश्य लेयर्ड होने चाहिए। जो कहा जा रहा है उसके भीतर भी कुछ और कहा जाना चाहिए था। एकदम सीधे सपाट बेमतलब के कुछ कुछ सीक्वेंस आपको बोर करते हैं। बार बार एक व्यक्ति राम भरोसे के घर आकर उसकी पत्नी से पैसे मांगता है, वहां दिखता है कि इसे फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। फिल्म ऐसी है कि आप 10 मिनट की पावर नैप भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहानी सपाट हो तो ट्रीटमेंट जोरदार होना चाहिए, स्क्रीन प्ले और डायलॉग फेविकोल सरीके होने चाहिए। यहीं पर फिल्म मुंह के बल गिरती है। कुछ कुछ जगहों पर जिगर खान की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, नदी वाले दृश्य हों, ड्रोन शॉट्स हों, या फिर मोन्टाज में इस्तेमाल किए गए कुछ शॉट्स। एक शॉट जिसमें राम भरोसे और वॉल्टर मेज पर बैठे हैं और मेज के नीचे कैमरा रखा हुआ है, बढ़िया शॉट कंपोजिशन है। डगमग मग डग गाना भी बढ़िया है, इसे कुछ संजय मिश्रा ने गाया है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक है। टेक्निकल पक्ष थोड़ा कमजोर है कई जगहों पर, संभवतः जहां रिक्शे वाले शॉट्स कम पड़ गए होंगे उन जगहों पर अलग से दिखता है कि पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाकर उन्हें फिल्माया गया है। संजय मिश्रा ने एक बार फिर दिखाया है कि वो एक बेहतरीन एक्टर है। उन्होंने रिक्शे वाले की मनोदशा और देह दशा दोनों ढंग से आत्मसात की है। पुलिस इंस्पेक्टर बने राजेश शर्मा भी मजे हुए कलाकार हैं, उन्होंने इसका नमूना पेश भी किया है। चंदन सान्याल ने भी ठीक काम किया है, पर ऐसा लगता है कि उनके डायलॉग लिखे हुए नहीं हैं, वो फिल्म में कुछ भी बोल रहे हैं, हालांकि उनका किरदार भी थोड़ा वोकल है। संजय के दोस्त बने राकेश श्रीवास्तव ने भी सही काम किया है। राम भरोसे की पत्नी के रोल में पूर्वा पराग बहुत लाउड हैं, उन्होंने ठीक काम नहीं किया है। बाकी के जितने एक्टर्स हैं लगभग सभी बहुत लाउड हैं, जरूरी नहीं कि वो आवाज़ से लाउड हो, उनकी एक्टिंग ही लाउड है। चाहे आंखें चमकाना हो या हाथ मटकाना हो, हर जगह थिएटर वाली एक्टिंग दिखती है, कैमरे वाली नहीं। फिल्म अच्छी हो सकती थी, बढ़िया मौका था, पर वो तीन दिन उस दर्जे की नहीं है जिसको आप आर्ट सिनेमा के नाम पर सराह सकें। बोरिंग फिल्म है। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे जतिन।